करने के लिए आज मैं कितने बजे आ गया है कि क्या सदम से ही इतनी मौत आ सकती है क्या साहब लाइट ऑन करो आप ऐसे सब क्या आपको वाला से अच्छा आप अपने चैनल अच्छा माइक आगे के वाले से सबसे पहले तो ये है कि जो मां कौन लेकिन जब हम बात करती हैं अल्लाह ताला के यासर शामी साहब भी आप साथी एक अच्छा दोस्त हो बैठे मुझे तकलीफ इस बात की है
कि अभी तक उनके इदारे से कोई ऐसी कंपोजिशन का या कोई ऐसी फलाह का कोई ऐलान नहीं किया गया जिस इदारे के लिए वो एक बग़ैर किसी गैजेट के काम करती थी। वो एक उसका टोटल साजो सामान उसका मोबाइल था, एक छोटा सा माइक था तार वाला और ट्राईपोड था और वो उसमें बगल में रखा होता था। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इनकार करके मुझे कोई दिखाए, मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं तो सारे हालातों वाक़यात को बड़ा पर्सनली तौर पे जानता हूँ। क्या वो दफ्तर से पैदल नहीं थी जाती असम्बली हाल? हम इसमें अमीरी और गरीबी का तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, इसमें तो सरकमस्टांसिस की बात हो रही है कि हालातों वाक़यात क्या थे, क्योंकि वो शख्स हमारे अंदर मौजूद नहीं है। वो शख्स हमारी फैमिली था, हमारा हिस्सा था, हमारा मेंबर था, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए खदशात हैं, अगर उसका इजहार जैसे तहमीना ने किया है, मैं कर रहा हूँ और आप लोग नहीं करेंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि कल आने वाले दिनों में ये सब कुछ हमारे साथ अगर जब होगा, क्योंकि यही हमारी फील्ड है, यही हमने काम करना है, यही स्पेस है, तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? पंजाब जो है वो इमरान खान साहब ने लगाया हुआ है परवेज इलाही को, तो इधर उधर की ना घुमाएं, आप लोग जाएं और साफी बरादरी सदर नदीम के साथ खड़ी है, अरशद शरीफ के साथ खड़ी है। मैंने पहले कहा था कि अरशद शरीफ का अगर ट्रायल आप लोग कीनिया में करेंगे तो हमें यकीन नहीं है, वो एक करप्ट मुल्क है, वहाँ के जजेस बिकते हैं, पुलिस वाले बिकते हैं, हमें एतबार नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। या आदमी या आलमी अदालत में केस लेकर जाओ या पाकिस्तान में शिफ्ट करो, मुझे आलमी अदालत में भी एतबार नहीं है, पाकिस्तान में लेकर आओ। कीनिया हमसे तरक्की पजीर मुल्क है, आप अमेरिका से तो डरते हो, आप इंग्लैंड से तो डरते हो, ठीक है वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन आप कीनिया से भी डरते हो? शर्म आनी चाहिए। अरशद शरीफ पाकिस्तान का हीरो है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, पाकिस्तान की ज़मीन उसके लिए तंग कर दी गई, दुबई गया तो वहाँ पर ऐसे ऊँचे हथकंडे आजमाए गए कि वहाँ पर कहा जाता है कि जी बिलावल साहब ने जो है वो क्योंकि दुबई एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पर ना वो किसी भी न्यूज़ जर्नलिस्ट को कोई भी ऐसी खबर पे नहीं बोलने देता, ना अपनी कंट्री की ना किसी और कंट्री की, तो इसलिए उनको वहाँ से भी सुनने में आ रहा है कि डीकोड किया गया। फिर दूसरा खुरम का बयान सामने आया जो उनका ड्राइवर था, अब कीनिया पुलिस वाले ने अगर गाड़ी रुकवानी थी वो ड्राइवर को गोली मारेगा कि साथ वाले को गोली मारेगा? 12 गोलियाँ मारी गई, सारी अरशद शरीफ को लगी, खुरम को एक भी नहीं लगी। खुरम भी मुलव्वस है, इसकी तहकीकात जो है आज़ाद होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, अच्छा कमीशन बनना चाहिए, पहले भी बड़े कमीशन बने हैं लेकिन कभी भी कोई फैसला जो हकामे बाला चाहती है वही हमेशा फैसला आता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने अरशद मारोगे, हर घर से अरशद निकलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जो कलम है वो तलवार से ज़्यादा भारी है, अब किसकी बारी है मुझे बता दो, आपका कलम तलवार से ज़्यादा भारी है। और दूसरी बात यह है कि सदफ नदीम के साथ हम खड़े हैं और इसकी भी अगर दफना दिया गया, पंजाब हुकूमत का प्रेशर था, या मैं आपको वैसे ये भी क्लियर कर दूं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब कोई बंदा कुचला जाता है तो उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है और शक्ल के ये हालात होते हैं कि उसको रखा नहीं जा सकता, उसको फ़ौरन दफनाना होता है। लोगों का ये भी शकूक व शबहात आ रहे हैं कि 1 बजे दफना दिया गया, रात को तो कभी जनाजा नहीं होता, वो मजबूरी थी, उनको दफनाना था तो एक बंदा चला गया, उसके बारे में आप बातें ना करें, लेकिन आज़ाद तहकीकात करवाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो YMA निकलेगी और अपना हक लेना जानती है, दमादम मस्त कलंदर होगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये डेली हम रोज़ निकलेंगे, ये अब सहाफ़ी एक ताकत बनने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बुकला तहरीक से बड़ी तहरीक बनेगी। इंशाल्लाह। Fine.